हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टोटल आपकी वैकेंसी 1377 सीट्स पर आई है, तो उसमें से आज हम बात करने वाले हैं MTS की पोस्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग फटाफट से। लेकिन हाँ, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत कितना सीट आया। पहले समझ लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या रहेगा। जनरल के लिए 11 सीट्स होंगे, EWS के लिए 2 सीट्स होगा, OBC के लिए 4 सीट्स रहेंगे, SC कैंडिडेट के लिए भी 2 सीट रहेगा और ST के लिए कोई सीट नहीं है। ओवरऑल 1377 पोस्ट में से MTS के लिए आपका 19 पोस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का तारीख क्या होगा। फ्रेंड्स, ये आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है, 22nd of March से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 30 अप्रैल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, 30 अप्रैल तक बिल्कुल भी इंतजार मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म अप्लाई करना है तो जितना जल्दी कर दीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा? जनरल, OBC और EWS से 1000 रुपीज लिया जाएगा, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 500 रुपीज लिया जाएगा। अब बात करी जाए कि एज की लिमिट क्या होगी, तो इसके लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 इयर्स का और SC ST को मिल जाएगा 5 इयर्स का। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको पता है कि MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिंपली जिन्होंने 10th पास आउट कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सब एलिजिबल रहेंगे। डजंट मैटर कि 10th में आपका परसेंटेज क्या है, जो भी मैट्रिक पास कैंडिडेट है सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज से गुजरना है। मेनली जो आपका डिपेंड करेगा वो ऑनलाइन CBT यानी कि जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम आपका रहेगा 2 आवर्स का, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग रहेगा, सो बी अवेयर 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। विषय वाइज अगर बात करें तो आपका Part 1 में जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से 40 क्वेश्चंस रहेगा। सेकंड आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी की 40 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन इंग्लिश से और 20 क्वेश्चन हिंदी से, ठीक है। थर्ड जो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आपको, 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे 20 मार्क्स के लिए। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। इसको क्वालिफाई करेंगे तो सिंपल सा DV होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी आइए मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आपकी जो सैलरी होती है ना, शुरुआत की जाती है 18,000 से, बट आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी जो पर मंथ की सैलरी होती है ना 56,900 रुपीज हो जाती है, मतलब 60,000 के अप्रॉक्स बाद में आपको सैलरी मिलती है। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपने अपनी तैयारी जारी कर रखी है और इसे जो भी मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो शर्माइए मत, कमेंट सेक्शन में पूछे, वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।